हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पहले भी कैनन 1300D का एक वीडियो देख चुके हैं फोटोग्राफी वाला, जो कि मैं बनाया था। और कुछ कुछ ये सिग्मा का जो लेंस लगा था कैनन 1300D में, उसके बारे में बताया था। और आज आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे कैनन 1300D का मैनुअल सेटिंग बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट सेक्शन में लोग पूछा था कि भाई आप इसका मैनुअल सेटिंग का वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में हम वही आप लोग को दिखाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा कैमरा है वो अभी फिलहाल तो मैनुअल पे नहीं चल रहा है। अभी हमारा फिलहाल देखिए कैमरा का ये दिया है रोटेट करने के लिए, जो कि यहाँ पे एम पे हमें करना है मैनुअल में जाने के लिए। और इसमें हम यहाँ पे एम पे क्लिक कर दिए, और एम पे क्लिक करने के बाद कुछ कैमरा में आपको ऐसा लिखा हुआ आएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो मैनुअल मोड में चला गया है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे आप स्क्रीन मोड देख सकते हैं, और जैसे ही मैं इस बटन को वापस क्लिक करूंगा तो हमारा लाइव मोड जो है वो खत्म हो जाएगा और आपको यहाँ कुछ कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेगा। और ये हमारा मैनुअल सेटिंग है, इतने में ही हमारा पूरा कैमरा का जो मैनुअल सेटिंग है वो करना है। पहले क्यू पे जाना है। क्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहा होगा। ऊपर वाले को यहाँ पे जो पहला वाला ये शटर का स्पीड है, अगर मान लीजिए आप लोगों को कोई चलता हुआ ऑब्जेक्ट का फोटो क्लिक करना है तो आप यहाँ पे शटर का जो स्पीड होगा उसको आप बढ़ा दीजिएगा। और दूसरी बात, अगर नॉर्मल भी अगर आप कैमरा में कोई काम करना चाह रहे हैं, नॉर्मल अगर कोई लेंस लगाए हैं, तो शटर का स्पीड इतना रखिए, क्योंकि अगर आपको मतलब अगर फोटोशॉप चाहिए तो इतना रखिए जितना कि आपका यहाँ पे लेंस है। जैसे मान लीजिए 300 है, तो हमें जो अपना लेंस ये शटर का जो स्पीड है वो 300 का दुगना रखना होगा, यानी कि 600 के आसपास रखना होगा, ताकि आप बेटर क्वालिटी का पिक्चर ले पाएं, शार्प पिक्चर। वरना आपका जो पिक्चर है वो कहीं ना कहीं ब्लर आपको देखने को मिलेगा। पहला वाला हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं, इसको आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे 500 आसपास, 550 आसपास रख रहा हूँ। यहाँ पे 500 का ऑप्शन आ रहा है, 500 पे रख रहा हूँ मैं। दूसरा वाला यहाँ पे आप लोग को एफ दिख रहा होगा, ये एफ 4.5, मतलब कि आपका यहाँ पे लेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर्चर वैल्यू दिया हुआ है 4.5। और ये जितना अपर्चर वैल्यू का यहाँ पे बात हो रहा है, जितना अपर्चर कम होगा उतना हमारा ऑब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड होगा वो ब्लर होगा। जितना अपर्चर मैं बढ़ा दूंगा तो ऑब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड होगा वो कहीं ना कहीं ब्लर कम देगा। अगर मैं अपर्चर यहाँ पे 14, 15, 18 आसपास रखूंगा तो जरा भी बैकग्राउंड ब्लर नहीं होगा, बिल्कुल मोबाइल की तरफ पिक्चर आएगा एकदम शार्प। तो अगर कहीं पे आप ग्रुप पिक्चर क्लिक कर रहे हैं या फिर किसी सीनरी का पिक्चर पहाड़ वहाड़ का क्लिक कर रहे हैं तो आप वहाँ पे अपर्चर का वैल्यू बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे जो डिटेल है पिक्चर में वो चाहिए रहता है। मैं वही बोल रहा था कि ऐसा क्वालिटी देगा कि पूरा का पूरा जो शार्पनेस होगा अच्छे से देगा। तो फ्रेंड्स, तीसरा चीज यहाँ पे था हमारे पास, आप यहाँ देख सकते हैं ISO लिखा हुआ है, जो कि ऑप्शंस में यहाँ पे 100, 200, 400, 800 दिया हुआ है। 6400 तक ये कैमरा में इतना ही ISO सपोर्ट करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें ऑटो की, तो यहाँ पे कैमरा अपने हिसाब से लाइट को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं मैनुअली इसको करना तो मैनुअल भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो की जगह पे आप जैसे 100, 200 बारी बारी रख के देख सकते हैं कि कितना पे हमारा पिक्चर शार्प आ रहा है, बेटर लाइट आ रहा है उसमें। तो ये मैनुअल मोड का था। और आगे इसके आगे बढ़ते तो हमें यहाँ पे ऑप्शन देता है नीचे आने पे, यहाँ पे वाइट बैलेंस। यहाँ पे आपको वाइट बैलेंस डिफरेंट डिफरेंट तरह का मिलेगा, सन का मिलेगा, यहाँ पे पोर्ट्रेट का मिलेगा, लैंडस्केप का मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट। आप यहाँ पे ऑटो पे इसको रखिएगा, अच्छा पिक्चर चाहिए तो ऑटो पे मिल जाएगा। और भी यहाँ पे वाइट बैलेंस में यहाँ पे देखेंगे एम्बरेंस प्रायोरिटी मिलेगा, यहाँ पे और भी मिल जाएगा आपको, डे लाइट मिल जाएगा। तो आपको जो सही लगता है लग सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे AWB पे ही रखिएगा ज्यादातर से, इस पे पिक्चर काफी अच्छा आता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं ऑटो लाइटनिंग ऑप्टिमाइजर है, ये अपने आप अगर कहीं पे अंधेरा कहीं ज्यादा दिखता है कैमरा को तो लाइट अपने आप इंक्रीज कर लेता है, तो आप इसको हाई रखिएगा, हाई पे काफी अच्छा फोटो आता है। और यहाँ पे ये फ्लैश का है, फ्लैश अपने हिसाब से देखिए, फ्लैश ऑन हो गया जैसे ही मैं इस पे क्लिक किया, इसको तो ऑफ ही रखेंगे अपने हिसाब से, वो रात में भी कर सकते हैं। और तीसरा चीज यहाँ पे AI फोकस मिला है, वन शॉट है और AI सर्वो है। अगर वन शॉट की बात करें तो वन शॉट पे सेटिंग रखने पे एक क्लिक होगा, उसके बाद फिर कैमरा दूसरा क्लिक नहीं करेगा, लेकिन मैं AI फोकस पे करूंगा तो ऑटोमेटिकली फोकस वो लेगा फिर छोड़ेगा। सर्वो मोड पे रनिंग फोकस होता है, अगर हम दौड़ते हुए पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं चाहे कुछ और कर रहे हैं मूवमेंट को, तो वहाँ पे सर्वो पे रख के क्लिक कर सकते हैं। ये तीनों का था, ये आपको निकॉन में भी देखने को मिल जाएगा और ये कैनन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं सिंगल शूटिंग ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, कंटिन्यूअस शूटिंग। अगर मैं यहाँ सिंगल शूटिंग पे रखूंगा तो एक पिक्चर क्लिक होगा, कंटिन्यूअस पे क्लिक कर दूंगा तो आप हाँ। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस शूटिंग की अगर हम बात करें, मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस शूटिंग दिखा रहा था, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं आपको लेंस निकाल के दिखा रहा हूँ कि ये कैसे होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शटर है हमारा, ये यहाँ पे 1300D का आप यहाँ कंटिन्यूअस शूटिंग देख रहे हैं। और इसमें पर सेकंड तो निकॉन जितना स्पीड नहीं देता, 5600D जितना,
लेकिन आपको ये 1500 जितना आसपास कैनन का जो कैमरा करता है उतना आपको कंटिन्यूस शॉट दे देता है। और नेक्स्ट सेटिंग की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं मैट्रिंग मोड यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको रख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपने हिसाब से। अगर आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा है, आपको ज़्यादा जगह पे फोकस चाहिए, तो आप इसको सेंटर वाइड रख सकते हैं, जैसे वाइड एंगल जो हमारा फ़ोन में रहता है उस पर रख के यहाँ पे चला सकते हैं। और अगर आपका ऑब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इवेल्यूएटिव मैट्रिंग पे इसको रख सकते हैं और पार्शियल मैट्रिंग पे रख सकते हैं। अगर छोटा से थोड़ा सा बड़ा है, अगर मान लीजिए पोर्ट्रेट ये सब क्लिक करें, तो ये बस इसमें इतना सेटिंग था। और अगर आगे हम जाए इसमें, तो आप यहाँ पे इमेज क्वालिटी देख सकते हैं, एल पे यहाँ पे रखिएगा लार्ज, यानी कि हाइयर लार्ज जो इमेज होता है इसका 18 MB तक चला जाता है। अगर हम इसमें 70-300 mm का लेंस लगाते हैं तो सिग्मा का, ऐसे तो 55-250 mm का आता है कैनन का। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा और सारा सेटिंग समझ में आएगा। और भी अगर कैनन 1300D से कोई प्रॉब्लम आ रहा है और कुछ ऐसा बात है जो पूछना है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।